सो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें गिटार को कैसे होल्ड करना है और फिंगर पोजीशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले जो होल्डिंग का तरीका रहता है वो ऐसा रहता है कि ये जो ये कर्व रहता है यहाँ पे आपका ये राइट वाला लैप होना चाहिए, तो आप ऐसे रख सकते हैं। और ये जो ये हाथ है ये ऐसे यहाँ कोने में होना चाहिए, गिटार के बॉडी के कोने में होना चाहिए। और डायरेक्टली ये जो साउंड होल होता है इसकी तरफ फेस करना चाहिए। और अगर हम फिंगर पोजीशंस की बात करें तो वो आप ऐसे रख सकते हो। तो एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे तो आपका थंब पीछे से आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकलेगा। और ये जो उंगलियाँ रहेंगी ये फ्रेट बोर्ड पे ऐसे सामने रहेंगी। तो बेसिकली जो थंब है वो पीछे रेस्ट करेगा और जो फिंगर्स हैं वो सब कॉर्ड्स बजाने वाली हैं। तो यही होता है राइट तरीका कि हमें कैसे पकड़ना है। अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो आपकी साउंड अच्छी आएगी। अगर आपने ऐसे पकड़ लिया मान लो और अब आप बजा रहे हो कॉर्ड्स, और अगर आप राइट वे में पकड़ो ऐसे तो काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपने राइट लैप नहीं रखोगे तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं होगे, आप अपना हाथ कहीं पे टिका नहीं पाओगे। तो ये रहती है राइट पोजीशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पता है काफ़ी छोटा वीडियो था लेकिन बस इसमें हमें होल्डिंग और फिंगर पोजीशन की बात करनी थी। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरे नए वीडियोस तब आए तब पता चल जाए। तो बाद में मिलता हूँ, बाय।